तो गाइस आज जा रहे हैं हम रावड़ा लूणगंज से आ गए हैं। यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, भीड़ कितनी है देख सकते हो आप लोग। फाटक बंद हो रखा है इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देखो भाई रिक्शा वाले भी खड़े हैं। ये बस जो है ये है बीकानेर वाली, इसमें नहीं जाना है अपने को। रावड़ा वाली बस आएगी अलग, वो यहाँ से दो ही बसें चलती है, एक 2 बजे चलती है, एक 12:30 बजे लगभग तकरीबन चलती है। अब हम बैठ गए बस में, आगे लोग सीधा रावड़ा से ही स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं रावड़ा। रावड़ा से अब 5 किलोमीटर आए थे, 5 किलोमीटर से अब आ गए 65। यहाँ पे जम्बेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ पे आए हम। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे होगी कथा, कल कथा होगी इसमें, तो इसलिए यहाँ पे अभी यहाँ का गाइस ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है गाइस, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है लोकेशन। ये इधर वो नहर आ गई, ये टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये है गाइस रावड़ा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर 365 हेड है। ये आ गया, इधर इसका मार्केट भी है। मतलब इधर देखो ये गांव का माहौल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे भी एक मार्केट ही है यहाँ पे। तो गाइस जब हम निकल चुके हैं यहाँ से रावड़ा से, और रावड़ा से जाएंगे हम गढ़साना, गढ़साना से जाएंगे गंगानगर, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो ये जो पीछे आपको रोड दिख रही है, यहाँ से हम अब गंगानगर आके जाएंगे, या पहले गढ़साना आएगा, गढ़साना से आके वो पुल से रोड निकलेगी, वो जाएगी वहाँ पे, वहाँ के पुल से जो रोड निकलेगी वो जाएगी वहाँ से, मतलब गंगानगर जाएगी सीधी, ठीक है। तो अब अपने हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं, चलते हैं अपने सीधा, मिलते हैं आगे गढ़साना में, मिलते हैं गाइस जब, ठीक है गाइस ना। आगे गाइस बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ से सीधा गंगानगर के लिए निकलेंगे बारिश में भी। गाइस हम आ गए हैं अब रायसेनगर, और रायसेनगर में आके ढाबे पर रुके हैं, और अब यहाँ से जाएंगे सीधा, यहाँ से गंगानगर है शायद 75 किलोमीटर दूर है। गाइस आखिरकार 220 किलोमीटर चलने के बाद हम गंगानगर पहुँच गए, दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस ये बस स्टैंड है, तो हमारे पे